फरवरी से ऑफलाइन अर्धवार्षिक परीक्षा 135 हाई स्कूल व हाई सेकेंडरी में संचालित की जा रही है। यह कहना गलत है कि पढ़ाई नहीं हुई थी, बल्कि पिछले मार्च से हमारे यहाँ ऑनलाइन पढ़ाई हुई है, उसके बाद ऑफलाइन पढ़ाई हुई है, जिसमें सभी बच्चों से अच्छे से पढ़ाई कराई गई है और उन्होंने अच्छे से पढ़ाई भी की है। कई ऐसे बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनके पास मोबाइल की दिक्कत थी, इसलिए सरकार ने यह घोषणा करी है कि ऑफलाइन परीक्षा ली जाए। 27 प्रकरण लंबित हैं, जिसमें से 4 को पहले शिविर लगाकर निराकरण कर दिया गया था। कल शासन के नए निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं, उसकी गाइडलाइन के अनुसार ही 3 और 4 फरवरी को पुनः शिविर लगाकर लंबित प्रकरणों के निराकरण करेंगे। क्लासेस लगी नहीं थी, बच्चों की ठीक से पढ़ाई नहीं हो पाई थी, इसलिए ऑनलाइन परीक्षाएं पिछली बार दी थी। अभी इसमें 10वीं और 12वीं की परीक्षा हर महीने होंगी, इसको लेकर भी स्कूलों में तैयारियां की जा रही है। हम आइए, कल 1 फरवरी से अर्धवार्षिक परीक्षा ऑफलाइन हमारे जो 135 हाई स्कूल हायर सेकेंडरी भोपाल जिले के हैं वहाँ संचालित की जा रही है। और ये परीक्षाएं, ये कहना गलत है कि पढ़ाई नहीं हुई थी। हमारे यहाँ पिछले मार्च से ऑनलाइन पढ़ाई हुई है और फिर बाद में ऑफलाइन भी पढ़ाई हुई है, और सभी बच्चों ने बताया पढ़ाई की। और अर्धवार्षिक परीक्षा वो मतलब जो अटेंडेंस है उनकी लगभग 95% है। कई ऑनलाइन जो क्लासेस चलती थी सर, जिनके पास मोबाइल नहीं थे वो शामिल नहीं हो पाते थे, अब जो है ऑफलाइन क्लासेस 38 दिन लगी हैं, इसलिए अब ज्यादा बच्चे स्कूल में आ सके, पढ़ाई हो सके, इसलिए उनको। हाँ, निश्चित तौर पर ये बिल्कुल ये था कि सभी बच्चे एक साथ परीक्षा दें ऑफलाइन, और इसमें समानता भी रहे, क्योंकि ऑनलाइन और अभी हमारे कई जो वैसे बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो उनके पास मोबाइल की दिक्कत थी और इसलिए ऑनलाइन कक्षाएं रेगुलर नहीं चल पा रही थी उनकी, तो इसलिए सरकार ने व्यवस्था करी है कि ऑफलाइन परीक्षा ली जाए। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर जिला स्तर पर शिविर लगेंगे, कब से शिविर भोपाल जिले में लगेंगे, कितने ऐसे प्रकरण जो लंबित हैं उसको निराकरण किया जाए? हमारे यहाँ 27 प्रकरण लंबित हैं, और जिसमें से हमने 4 को जो पहले शिविर लगा था उसको निराकरण कर दिया था। अभी कल नए निर्देश प्राप्त हुए हैं शासन से, उसके जो गाइडलाइन दी गई उसके अनुरूप हम 3 और 4 फरवरी को पुनः शिविर लगाएंगे और जितने प्रकरण मैक्सिमम होंगे उनका निराकरण करने की कोशिश करेंगे।